हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। तो हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी कर लिया है एक बार जान लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, डेट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों में क्या डिफरेंस है? डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या असमानताएं हैं, मतलब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। फिर हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। पीछे वाली वीडियो के लास्ट में हमने एक टॉपिक होल्ड पर रखा था कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। तो वही टॉपिक अब हम इस वीडियो के थ्रू कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस हमको एक बार नॉन स्टॉप इस वीडियो को देखना है। आप इस टिपिकल से टॉपिक को ही बहुत इजी लैंग्वेज में अब समझने वाले हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हम हिंदी में बोलते हैं समता पर व्यापार। समता लगा लो कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है अपने को। समता का मतलब ये नहीं है कि इक्विटी, समता का मतलब है कि हमने एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है और इस ढंग से काम करना है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए। किसकी इनकम इंक्रीज हो जाए? हमारी कंपनी ने रियलिटी में जो पैसा लिया होता है किससे लिया होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। हर कंपनी चाहती है कि कंपनी के जो मालिक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, इनकी इनकम में इंक्रीज करना। तो इनकी इनकम में इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या खेल खेलती है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है क्या, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करती है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज करती है। ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से ज्यादा हो। ठीक है, ये केवल तब पॉसिबल हो सकता है। इनकी इनकम तब ही इंक्रीज हो सकती है जब कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। किससे? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, लोकल एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरा नाम ए है, मैं क्या करता हूं, एक पर्सन से 1 लाख का लोन लेता हूं। कितने का? 1 लाख का। मैंने इस पर्सन को कितना इंटरेस्ट देना है? 10% इंटरेस्ट देना है। मैं यही पैसा किसी और पर्सन को दे देता हूं। ये पर्सन मान लो बी है, मैंने बी को यही पैसा 20% पे दे दिया। कितने परसेंट पे दे दिया? 20% पे। आप सोच कर देखो कि मैंने वहां पैसा लगाया, बी पे पैसा लगाया, या लगा लो कि मैंने बी कंपनी में पैसा लगाया, मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है? 20%। जबकि मैंने इस वाली पार्टी को कितना पे करना है? 10%। तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे 10% का बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने किसी से 10% में पैसा लेकर आगे किसी को 20% में दे दिया, तो 10% का फायदा मुझे हो जाएगा। इसलिए आपको ये टॉपिक यहां पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल से मान लो मैंने 1 लाख रुपया लिया और ये पैसा मैंने और कहीं पर लगा दिया। 10% में मैंने इनसे लिया और 20% में मैंने आगे लगा दिया, तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, जितना मैंने इनको पे करना है उससे ज्यादा। मैंने इन दोनों को कितना पे करना है? 10%। जबकि मैं कहीं और पैसा इन्वेस्ट करूं, वहां से मेरी रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कंपनी कहती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम के अंदर केवल तभी इंक्रीज हो सकता है जब आप खुद फालतू कमाओ उनको देने की बजाय। उनको तो हमने देना ही है 10%, पर हमारी कमाई 10% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल को हम फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल क्यों बोलते हैं।
फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हम इन दोनों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को बोल रखा होता है कि आपका डिविडेंड मान लो 10% फिक्स रहेगा, इनको भी बोल रखा है कि तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है 8%, तो इनको जो भी मिलना होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। तो फिक्स होने की वजह से हम इन दोनों रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इनको कितनी कैपिटल के ऊपर कितना क्या पे कर रहा है कंपनी को ऑलरेडी पता होता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी ने कितना पे करना है डिविडेंड कंपनी को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों रिसोर्सेज को ही हम सिर्फ क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से इनकम ज्यादा होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज कर पाएंगे। अब कंपनी के मालिक ने कंपनीज में पैसा लगाया प्लस बाहर से भी पैसा उधार ले लिया, तो ये वाला पैसा उधार लेकर हमने बाहर तो किसी को ज्यादा पे दे दिया और हमने खुद बाहर किसी को कम देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मान लो ये ए है, ये कंपनी है, तो कंपनी को अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कंपनी की इनकम है अल्टीमेटली तभी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं और जो ये डिबेंचर्स के अंदर जिन्होंने पैसा लगाया होता है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स, इनका कंपनी के अंदर जो पार्ट होता है ना वो लिमिटेड होता है। क्या होता है इनका पार्ट कंपनी में? लिमिटेड, क्योंकि इन्होंने जितना पैसा लगाया होता है इनको एक टाइम पीरियड के बाद वापिस भी मिल जाता है, प्लस इनको ये भी पता होता है कि हमको फिक्स रेट से कितना इंटरेस्ट और कितना डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले से पता होता है। अब बात आती है कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाना कब पसंद करते हैं? ये उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर कल की डेट में पैसा डूब भी गया, कंपनी डूब भी गई, तो कम से कम इनका पैसा नहीं डूबेगा, इनको सबसे पहले पैसा रिटर्न होता है। कंपनी के डूबने की सिचुएशन में क्या होता है? डिबेंचर होल्डर को पहले पैसा मिलता है, फिर पैसा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर पैसा वापस आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हालांकि कंपनी के मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर भी इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। तो डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी को पैसा देकर अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, पर सेफ महसूस तभी करेंगे जब उस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो, क्योंकि कंपनी को डूबने की हालत में, दिवालिया होने की हालत में कंपनी लोगों को पैसा अगर नहीं दे पा रही है तो कंपनी सबसे पहले पैसा किसको रिटर्न करने वाली है? डिबेंचर्स होल्डर को। इसलिए डिबेंचर्स होल्डर उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी की डूबने की स्थिति में सबसे पहले पैसा डिबेंचर्स होल्डर को मिलेगा। अब हमारा टॉपिक आ रहा था कि ये कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से पैसा रिसीव करके इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में इंक्रीज कैसे करती है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम दो कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी ऐसी जिन्होंने डिबेंचर इशू ही नहीं किए और दूसरी कंपनी ऐसी जिसने डिबेंचर्स को इशू किया हुआ है, वहां से बेनिफिट ले रही है और इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को इंक्रीज करके दिखा रही है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे सामने एक्स और वाई दो कंपनियां हैं। ये देखिए X और Y दो कंपनियां हैं। X के पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, Y के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख, डिबेंचर्स हैं पड़े 6 लाख। अल्टीमेटली X और Y दोनों ने 10 लाख और 10 लाख की कैपिटल लगाई हुई है। X की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हर शेयर 10 रुपए का है, मतलब 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज 10 लाख। वाई के पास 40,000 शेयर हैं, हर शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, तो ये इसलिए हो गए 4 लाख। तो एक्स कंपनी के पास डिबेंचर्स है ही नहीं, तो बट एक्स कंपनी ने पूरा पैसा किससे लिया हुआ है? इक्विटी शेयर होल्डर से। वाई ने 4 लाख लिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर से, 6 लाख लिए हुए हैं डिबेंचर होल्डर से। तो हमारे पास टोटल टोटल दोनों कंपनी के पास 10 लाख 10 लाख लगे हुए हैं। अब दोनों कंपनी की इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख है और टैक्स की रेट मान लो 30% है। तो हम दोनों कंपनी का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। देखो पहली कंपनी ने तो डिबेंचर जारी नहीं किए हुए,
दूसरी कंपनी के पास डिबेंचर है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों में से फायदा किसको होएगा, किसके शेयर होल्डर्स को ज्यादा इनकम मिलने वाली है। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। ये एक्स कंपनी, ये वाई कंपनी, एक्स कंपनी के पास भी कितना प्रॉफिट है, 2 लाख। ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। अब एक्स कंपनी ने तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट की बात एक्स कंपनी के लिए तो है ही नहीं, इसने तो कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं है। वाई कंपनी ने कितना डिबेंचर इश्यू किए हुए हैं, 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे करना है, तो 6 लाख का 10% करोगे तो वाई कंपनी ने 60,000 का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने के बाद एक्स कंपनी की इनकम वाई कंपनी की इनकम, सिर्फ अभी इंटरेस्ट पे करने के बाद। अब कंपनीज ने क्या करना होता है, जितनी भी इनकम कमाती है उसके ऊपर 30% टैक्स भी पे करना है। अब हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस कर देते हैं। टैक्स किसका माइनस करेंगे, जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग है। 2 लाख का 30% हमने टैक्स पे करना है, तो आप 60,000 टैक्स पे कर दो, इसके पास रहेगा 1,40,000। इसका भी हम टैक्स पे कर देते हैं, 1,40,000 का 30%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कैलकुलेशंस एक बार करके देख लेंगे। इसका आ गया 98,000। अब ध्यान से देखिए, एक्स कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 1 लाख। हम एक्स कंपनी की अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। एक्स कंपनी के पास प्रॉफिट है 1,40,000 और एक्स कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 1 लाख। तो हम 1,40,000 को 1 लाख से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि एक्स कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर हैं, मान लो 1 लाख। तो हमने क्या किया, 1,40,000 को 1 लाख शेयर्स से डिवाइड कर दिया, तो हर कंपनी के शेयर होल्डर को 1.40 रुपए इनकम हो रही है। ठीक है, वाई कंपनी का देखिए, वाई कंपनी के पास है 98,000 इनकम। अब वाई कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितने हैं, 40,000, तो 98,000 को हम 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर देते हैं। तो 98,000 को जब आप 40,000 से डिवाइड करोगे तो वाई कंपनी अर्न कर रही है 2.45 रुपए। मतलब वाई कंपनी के हर शेयर होल्डर को इनकम हो रही है 2.45 रुपए, जबकि एक्स कंपनी के हर शेयर होल्डर को कमाई हो रही है 1.40 रुपए। अब ध्यान से देखो कि कौन सी कंपनी ज्यादा कमा रही है, कौन सी कंपनी इनकम ज्यादा कमा के दे रही है। वाई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा कमा के दे रही है, क्योंकि वाई कंपनी ने क्या यूज किया है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को यूज किया है। किसको, डिबेंचर्स को। इसने डिबेंचर्स का फायदा लेकर क्या किया, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम के अंदर इंक्रीज किया है, जबकि एक्स कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए ही नहीं हुए थे, तो उसकी इनकम पर शेयर कम आ रही है, कितनी आ रही है, 1.40 रुपए। ठीक है, तो ये कंपनी अपने कस्टमर्स के, सॉरी अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में केवल तभी इंक्रीज कर सकती है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, किससे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल से। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, दोनों कंपनी 2 लाख 2 लाख कमा रही है। वाई की अगर मैं बात करूं, वाई ने कितना कमाया है, 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी लगाई हुई है, 10 लाख। वाई ने 10 लाख लगाया, कमाया 2 लाख। 10 लाख के ऊपर अगर 2 लाख की कमाई की बात करूं, तो कंपनी को, वाई को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी मिल रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैंने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख। तो 2 लाख को अगर आप 10 लाख से कंपैरिजन करा के देखोगे तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मेरी 20%, जबकि डिबेंचर्स होल्डर को मैंने सिर्फ कितना पे करना है, 10%। अब सोच कर देखो, मैंने बाहर से पैसा लिया
उनको मैंने पे करना है 10%, जबकि मैं खुद कितनी कमाई कर रहा हूं 20%। इसका मतलब है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करके दिखा सकता हूं। यही टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक कंपनी जिसकी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे करने की रेट से, तो कंपनी तब ही सिर्फ उसी सिचुएशन में अपने शेयर होल्डर्स की इनकम में इंक्रीज करके दिखा सकती है। इसलिए वाई अपने कंपनीज के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कमा के दे रही है, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने थे, 40,000। 40,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। अल्टीमेटली इसलिए हमने यहां पर 98,000 को 40,000 से ही डिवाइड करके दिखाया, तो कंपनी के हर शेयर होल्डर के पास इसलिए 2.45 रुपए का फायदा हो रहा है, जबकि एक्स कंपनी को सिर्फ फायदा कितना हो रहा है, 1.40 रुपए। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी टॉपिक का हमने एक एग्जाम्पल और लेना है, तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आप देखिए एक बारी। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।